कटपीस का दौर शुरू हो गया है और क्या, तो आइए अपनी तरफ से आइए कटपीस आइए, नहीं बैठे रहिए क्योंकि मंच बहुत छोटा है। आदरणीय हमारे परम स्नेही श्याम बाबूजी ट्रेडिंग कंपनी आप साहब की तरफ से 201 मुद्राओं का प्रोत्साहन हार्दिक प्रणाम है। और क्या, पैसा बहुत आ रहा है। गीत की पंक्तियों पर आदरणीय श्रीमान भैया अरविंद गुप्ता शिवपुर योर रेजिडेंट स्टूडेंट, यह हमारा भैया शिष्य है, इसकी तरफ से ढेर सारा स्नेह है और माता रानी से याचना सदैव इसके उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दें। और क्या, बहुत मेहनत सगा रहे गुरु हमारे, हम लोग अंग्रेजी थोड़ी लगाएंगे, हम लोग अंग्रेजी चक्कर में नहीं पड़े। एक छोटी सी कटपीस है, छोटी सी बिट्टी खेलो गिट्टी जी, समोसे के साथ चटनी कि मेरा सजना सवरना है किस काम का, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी मिश्र और पप्पी हमारे चाचा जी, आप साहब की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है, हार्दिक प्रणाम है। जय हो। आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय चरण भाई, तुम भी को समझते रहो ढोलक के माध्यम भैया। परशुराम जी जनक की सभा में आप पहुंचे क्योंकि भगवान शिव का धनुष टूट चुका है, वो बहुत क्रोधित है और बार बार फरसा चमका रहे हैं, लक्ष्मण से रहा नहीं गया। और क्या, वो कहने लगे क्या पहिर के। विद्वान जनमानस से निवेदन, पंक्तियों पर ध्यान देंगे भैया, वॉल्यूम इसका बढ़ाओ, बढ़ा दो भाई, सारे माइक कम हो जाते हैं आपके। लक्ष्मण जी कहने लगे क्या, फरसा यूं चमचमाना बेकार है। चमचमाना बेकार है, जान छोटा डराना बेकार है, हमको छोटा समझ रखा है। फरसाइयों चमचमाना बेकार है, जान छोटा डराना बेकार है, मैं तो फायर हूं फ्लावर समझ रखा क्या। का पेपर, एक फिल्म आई थी
जिसमें फायर समझ रखा है, फ्लावर समझ रखा है। और क्या? फिल्म पिक्चर का नाम हम नहीं जानते, हम लोग सिर्फ रामायण और सीरियल देखते हैं। अंग्रेजी वाला छोड़े, मैं तो फायर हूँ फ्लावर समझ रखा क्या, दही के धोखे का पास नहीं खाना, नहीं तो खाओगे धोखा, दही के धोखे का पास नहीं खाना, नहीं तो खाओगे धोखा, दही के धोखे का पास नहीं खाओगे तो खाओगे क्या, दही के धोखे का पास नहीं खाना, नहीं तो हेलो 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 बढ़िया। ओहो तसल्लियों से किसी का भला नहीं होता, और जड़ें कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता, तसल्लियों से किसी का भला नहीं होता, जड़ें कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। अरे दिया करो कभी कभी दिमाग को भी जहमत, और क्या दिया करो कभी कभी दिमाग को भी जहमत, क्योंकि दिमाग दिल की तरह बांवला नहीं होता। वाह बेटे वाह, बढ़िया जवाब आपने सुना है। और क्या जवाब, बहुत सुंदर आ रहे हैं आजकल। मैंने कहा था आदरणीय अनिल भैया कि जवाब अगर दो पंक्तियों में आ जाए तो दुनिया भर की लेथन लाने का कोई मतलब है नहीं। ना। कम खाओ पर अच्छा खाओ। अब चार छह अंतरों में अगर जवाब दिया जाए तो उसे क्या मतलब है? और क्या बताओ। और समय भी हम लोगों को कम दिया गया था, एक अंतरा मेरे पास और लिखा था, लेकिन हमने कहा छोड़ो एक ही में दे देते हैं जवाब। और क्या? जवाब आपने बढ़िया दिया है। आपने कहा है क्या? अरे खुराफात में खुरपेची न समर्थ निकले। आदरणीय अनिल भैया अगर ये लाइन आप न लाते तब भी हम मान लेते। और क्या? हेलो। लेकिन अगर खुरपेची ने कुछ लिख दिया तो फिर लिख दिया। और क्या? उसको काटना बड़ा मुश्किल है ना, उसको तुमको मानना पड़ेगा। पालन पलन पालना पलना, अगर आप इनके अर्थ निकालेंगे तो सबके अलग अलग अर्थ हैं। ये बात, सबके अलग अलग अर्थ। हाँ। पाचन पचन पाचना पचना, ओ, ओ, चखन चाखना चखना, वार्य जवाब। धारण धारण धारना धरना, धारण यानी किसी चीज का धारण कर लिया गया हो, धरण
धारण मतलब पृथ्वी भी होती है और धारणा 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 भी आप समझ रहे हैं और उसके बाद धरना, ये कौन सा धरना है? धरना धरेंगे और क्या? ये कौन सा जवाब है बताओ? धरना धरना, ये कलयुग वाला जवाब है। धरना धरना तो नेता देते अनशन पे बैठ जाते हैं और क्या। आप तमाम लाइनें लाए हैं, दोहन दोहन दोहना दोहना, इससे अच्छा जवाब आज तक हमने सुना ही नहीं। अरे जवाब जवाब दे दिया कि सेतुआ शाम नहीं। ठीक है, बढ़िया है दादा, जो भी जवाब आपने दिया बढ़िया है। हाँ। बेर का जवाब आपने मेरे युग बदल दिया आपने। और क्या? आपने छलांग लगा दी, एक युग आगे पहुंच गया। हाँ। ठीक है, बढ़िया है। चलो छोड़ो बेटे छोड़ो, गाना बढ़िया आया है कि मेरा सजना सवरना है किस काम का, चमचमाना बेकार है। अच्छा। जान छोटा डराना बेकार है। मैं फूल सा नाजुक नहीं हूँ। तो दही के धोके कपास नहीं खाना, नहीं तो खाओगे धोखा। बहुत सुंदर, लंबी लंबी लाइन है। आइए प्रयास कर रही हूँ, अगर बात अच्छी लग जाए तो। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, क्या कहा? क्या कहा? ये तुम्हारे जो शिष्य हैं, हाँ, ये बड़े निराले हैं। बड़े निराले हैं। है तो गुरु निराले के, तेरे दोनों दुलारे हैं किस काम के, कितने निराले लखन राम के। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, नए नए इन चेलों को लेके निकले, ये नए नए चेले
तेरे दोनों दुलारे हैं, किस काम के काम कितने निराले, लखन राम के। और मैंने क्या पाया, क्या कि एक फायर एक वाटर से दिखलाते हैं, एक आग है तो दूसरा पानी है। चेलों को लाए शिष्यों को, अरे कुएं के मेढक है ये दोनों। क्या बात है, वाह वाह, ये देखो यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकले, तो कुएं के मेढक है ये दोनों, कुएं से टर टराते। जवाब, वाह बेटा वाह, छोटा वाला लाल पीली आंखें कर रहा है। बस ये कुएं के मेढक कुएं में है। हाँ, ये कर कुछ नहीं पाएगा ना, इधर से पॉइंट करें बस। अरे कुएं के मेढक है जय।